क्या करूं मैं एक्सपर्ट बनने के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, हाईवे पे कैसे चलाऊं, पहाड़ों पे कैसे चलाऊं, कैसे बनूं मैं एक्सपर्ट ड्राइवर? क्या मैं एक्सपर्ट ड्राइवर बन पाऊंगा? क्या चाहिए होता है एक्सपर्ट ड्राइवर बनने के लिए, और स्किल ड्राइवर कैसे बनते हैं, क्या खूबियाँ होनी चाहिए स्किल ड्राइवर्स में? गाइस, अगर आप लोगों के दिल में भी ये चीज़ चल रही है, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। तो वेलकम बैक टू माई चैनल हंगर टू एक्सप्लोर, एंड आई होप आप लोग अच्छे हो गए। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो आप भाइयों के कुछ डाउट्स हैं कि जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में वीडियो में, तो कुछ भाई लोग गाड़ी अच्छी चलाते हैं बट फिर भी दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, या सिटी में चला रहे हैं अच्छी गाड़ी चलाते हैं बट हाईवे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिनको हाईवे पे कॉन्फिडेंस है उनको पहाड़ों पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ओवरऑल जो है वो स्किल ड्राइवर में, जो एक स्किल ड्राइवर होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या क्या इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती हैं? एकदम रातों रात आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, मैं भी जानता हूँ, बट हाँ मैं आपको ये गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि स्किल ड्राइवर कैसे बनना है। अगर आप वो चीज़ों को अपनाओगे तो स्किल्ड ड्राइवर ज़रूर बनोगे, एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे, ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना, कई लोग 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन हाईवे पे नहीं गए, या हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं कभी कभी, ठीक है, पहाड़ों पे एक ही दो बार ही गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना कि अगर कोई सिटी में एक्सपर्ट है और वो हाईवे का एक्सपर्ट बन जाएगा, नहीं होगा। जो हाईवे पे एक्सपर्ट है ज़रूरी नहीं है वो पहाड़ों पे चला गया एक दो बार तो वो पहाड़ों का एक्सपर्ट हो जाएगा, राइट? तो इट्स ऑल सिचुएशनल। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनना एक्सपर्ट ड्राइवर, कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों पे, स्नो पे, हिल एरियाज में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रोड कंडीशंस में, हाईवे पे, नॉर्मल सिटीज़ में, मैं बताऊंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे सभी भाइयों से जो देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं एक लास्ट एक 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 बुलेट पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा जो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि कुछ भाई जो हैं आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं। तो गाइस ऐसा मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिए, ठीक है, और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ दैट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? हर चीज़ बताता हूँ उसका कोई फ़ायदा होता है और आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओ, इसलिए बताता हूँ। तो प्लीज़ गाइस वीडियोज़ को पूरा देखना, ठीक है। पहला पॉइंट गाइस, सबसे पहले जो है ना, एक ड्राइवर में मैं ये चीज़ को बहुत गहराई से, और हर माइंडसेट डिफरेंट माइंडसेट, बिकॉज हर ड्राइवर हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट, राइट? तो हर इंसान की अपनी सोच है, उस हिसाब से उसकी एक्सपीरियंस भी है, उसका चलाने का तरीका भी है, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक ड्राइवर में होनी चाहिए ना, सबसे पहली चीज़ कि उसको एक मैच्योरिटी, एक उसके अंदर अच्छापन, एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। सारी बातें बात की होती हैं, सबसे पहले चीज़ आती है कि आप एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे सिटीज़न हो, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ठीक है, अपने देश के लिए, अपनी ड्राइविंग के लिए। हाईवे पे आप चल रहे हो तो बाकी लोगों भी साथ में चल रहे हैं आपके, उनके लिए। तो ओवरऑल आपको, अगर आप जब तक अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझोगे ना, तो वो दिखेगी नहीं, और वो दिखेगी नहीं तो आपको कुछ वापस मिलेगा भी नहीं इन रिटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप एक सेंसिबल ड्राइवर बनिए, ठीक है, सेंसिबल इंसान बनिए,
क्योंकि सेंसिबिलिटी जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में काम आती है, नॉट इन ड्राइविंग, इन एनी फील्ड इफ यू आर सेंसिबल इनफ यू विल डू इट वेरी इजीली। ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज़ हार्ड, ऑल अदर स्टेप्स आर इजी। ठीक है, पहला कदम ही जो होता है ना हार्ड होता है, उसके बाद सारे कदम अपने आप पड़ते हैं। तो मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से एंड आई होप आप इन चीज़ों को अडेयर करेंगे। अगर अच्छा ड्राइवर बनना है तो, अगर स्किल ड्राइवर बनना है तो, ठीक है, ये 10 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। नहीं है तो धीरे धीरे टाइम के साथ ले आओ। मुझे पता है कोई भाई मेरे नए भी सुन रहे होंगे जो नए ड्राइवर हैं, या वो भाई भी होंगे जो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर देम। बट मेरी ये वीडियो सबके लिए है, तो जिनको फ़ायदा हो सकता है, जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि जिनको लगता है कि ये वीडियो वर्थ वॉचिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना और साथ में बने रहो। ठीक है गाइस, ड्राइविंग करते टाइम हमेशा, जब भी आप हाईवे पर चल रहे हैं या पहाड़ों में चल रहे हैं या सिटी में चल रहे हैं, राइट, आपको जो है ना बहुत डिफेंसिव और प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। अब डिफेंसिव अप्रोच क्या होती है, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है, ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ। डिफेंसिव अप्रोच वो होती है जब आप इतने सेंसिबल होते हैं, जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला सेंसिबल, कि आप जिस रोड पे चल रहे हैं, राइट, आपके साथ वाला ट्रैफिक, जो ट्रैफिक चल रहा है आपके साथ या आपके साथ में जितने भी ड्राइवर्स चल रहे हैं अपने अपने कन्वेंस में, वो किस तरह के हैं, आर दे स्मूथ गोइंग, आर दे रैश, और आउट ऑफ 5 ड्राइवर्स वन वन ड्राइवर इज ड्राइविंग रैश, राइट। आपको खुद एहसास हो जाता है मैं किन लोगों के साथ चल रहा हूँ हाईवे पे, या मेरे आगे पीछे के ड्राइवर्स कैसे हैं। ठीक है, कोई ड्राइवर्स होते हैं जो जल्दबाजी में चाहते हैं, कोई ड्राइवर्स होते हैं जो कूल होके चलते हैं। ठीक है, तो डिफेंसिव होने का मतलब ये होता है कि आपको एक वो अप्रोच रखनी पड़ती है जिसमें आप, कई बार क्या होता है ना, खड़ी गाड़ी पे लोग मार जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो भी मार जाएंगे, इतनी जल्दी में होते हैं, कहीं ना कहीं से निकल के कहीं ना कहीं से बम्पर उखाड़ देंगे। तो डिफेंसिव अप्रोच ये होती है कि आप कोशिश करें कि आप अगर गाड़ी सही चलाते हैं तो कोशिश ये करें कि आपको दूसरों से भी बच के चलना है। आपको नहीं पता अगला बंदा 1 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है या 10 साल पुराना है, राइट, क्या पता वो बिना लाइसेंस की गाड़ी लेकर आ गया सड़क पर, ये भी हो सकता है। तो डिफेंसिव अप्रोच आपको हेल्प करती है अपने आप को डिफेंस करने में। इफ़ समवन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मैस अराउंड यू, ठीक है, तो डिफेंसिव अप्रोच वो होती है, तो आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच वो होती है जो हर सिचुएशनल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सड़क पर चल रहा हूँ तो मेरी एक अप्रोच है, राइट, मेरी एक अप्रोच है सड़क की तरफ, ट्रैफिक ज़्यादा है कम है नॉर्मल है, या 20 की स्पीड पर चल रहा है या 80 की स्पीड पर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी प्रोएक्टिव अप्रोच है कि हाँ ठीक है मैं इस टाइप के ट्रैफिक में इस टाइप की रोड पर चल रहा हूँ। अब वही गाड़ी मेरी सपोज मेरी हाईवे पर पहुँच गई, तो मेरी अप्रोच और मेरी अटेंशन दोनों बदल जाएंगी। ठीक है, चलाऊंगा मैं उसी चीज़ तरह से, ठीक है, लेकिन मेरी अप्रोच जो होगी वो थोड़ी वाइडन हो जाएगी। ठीक है, जो मैं सिटी में कर सकता हूँ वो शायद मैं हाईवे पे ना कर पाऊँ, जो हाईवे पे कर सकता हूँ वो मैं शायद पहाड़ों पे ना कर पाऊँ, या जो मैं हाईवे पे करता हूँ वो मैं सिटी में ना कर पाऊँ, राइट। तो हर रोड का, हर यू नो रस्तों का फ़र्क होता है। तो हाईवे पे आप अलग तरीके से चलते हैं, रोड पे आप अलग तरीके से चलते हैं, पहाड़ों पे आप अलग तरीके से चलते हैं, स्नो में अगर आप चाह रहे हैं तो आपका एकदम से मोड चेंज हो जाता है ड्राइविंग का, वहाँ फिर अलग तरीके से चलानी पड़ती है गाड़ी। ठीक है, तो आपके अंदर इतना प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए कि अगर ये हुआ या ये सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मुझे ऐसे चलना है। ठीक है, मैं पहाड़ों पे चलते चलते मेरे आगे एक रोड आ गया, रोड का पैच आ गया जो पूरी रोड स्नो से भरी है। ठीक है, मैं एक पहाड़ों पे चल रहा हूँ, ठीक है, और एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ आगे पूरी स्नो ही स्नो है,
ऑब्वियसली मेरा जो ड्राइविंग मोड है बदल जाएगा, नेचुरली बदलेगा, राइट। मैं थोड़ा और अटेंटिव हो जाऊंगा उस चीज़ पे लेके। तो ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है ना, ये इन चीज़ों में हेल्प करती है। व्हेन यू चेंज डिफरेंट मोड्स ऑफ ड्राइविंग एज पर डिफरेंट सिचुएशंस, एज पर डिफरेंट रोड्स एंड एज पर डिफरेंट एनवायरमेंट अराउंड यू और पीपल अराउंड यू, राइट। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यू हैव टू बी वाइज, ठीक है। हर इंसान मैं बोलता है हाँ भाई मैं अच्छा इंसान हूँ, हर मैं इंसान बोलता है मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, अरे मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं अच्छा चला लेता हूँ गाड़ी, या मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूँ, वट एवर। आपको वाइज होना बहुत ज़रूरी है एक स्किल ड्राइवर बनना है। तो आप इतने काइंड इनफ होने चाहिए कि अगर आप दूसरा कोई साइड मांग रहा है तो आप उसको प्यार से साइड दो। एक रिजिडपन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आप स्टबन होकर गाड़ी नहीं चला सकते हो, एक हार्श एटीट्यूड से गाड़ी नहीं चला सकते हो, एक एरोगेंट वे में आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। यू कैन नॉट बी रूड ऑन द रोड, ठीक है। यू हैव टू बी पोलाइट इनफ, सेंसिबल इनफ कि आप दूसरों की भी सुनो, देखो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पीछे से डिप्पर मार रहा है और मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो जो मर्जी करे, हॉर्न बजाए, डिप्पर मारे, मैं वहीं का वहाँ ठस से मस चल रहा हूँ, मैं उसको जगह ही नहीं दे रहा, चल रहा हूँ टॉप लेन में। वो बेचारा टॉप लेन में आके डिप्पर मार रहा है कि भाई टॉप लेन हाई स्पीड होती है, जाने दे मेरे को, मैं हाइट वहाँ हट ही नहीं रहा भाई, मैं वहीं खड़ा हूँ, वहीं चला रहा हूँ उसी लेन में गाड़ी। तो इतने आप वाइज बनो कि दूसरों की केयर करो, अगर आप चाहते हो कि आपके आगे वाला आपकी केयर करे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वाइज इनफ एंड काइंड इनफ फॉर ऑल द ड्राइवर्स अमंग्स यू, ओके। अगला पॉइंट, आपकी ड्राइविंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी तरह की भी रोड कंडीशन हो आप उस पर चल सको। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना इस चीज़ के अंदर, इन सारे जो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम के साथ आती हैं, ये मैं भी जानता हूँ और ये आप लोगों को भी टाइम लगेगा, ठीक है, सीखने में, समझने में। कुछ भाइयों को जल्दी भी चीज़ें समझ आ सकती हैं, कुछ लोगों को शायद कभी समझ भी ना आए, ठीक है। तो आपको पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, अपनी कार को समझो, अपनी आसपास के रोड कंडीशंस को समझो। आप धीरे धीरे, मैंने 20 साल का था तब गाड़ी चलानी शुरू करी, मैं एकदम से हाईवे पे पहाड़ों पे नहीं चला गया, थोड़ा थोड़ा सिटी में चलाने लगा, धीरे धीरे पापा के साथ, फादर के साथ अपने मैं हाईवे पे निकल गया। उसमें भी मुझे पूरी गाड़ी कंट्रोल नहीं मिली, एक साइड चलाता था मैं फादर के बैठते हुए और एक साइड वो चलाते थे वापस आते थे। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, मैं ये चीज़ जानता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग एकदम रश में आके कोई भी ऐसा काम करो जो गलत हो जाए, ठीक है। तो मेक श्योर, अगर आप हाईवे पे कभी नहीं गए तो कोई ऐसा बंदा आपके साथ हो जो हाईवे की नॉलेज हो, जिसको हो। अगर आप पहाड़ों पे नहीं गए तो ऐसा बंदा हो जिसको पहाड़ों की नॉलेज हो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो हाईवे पे या पहाड़ों पे, या सेकंड टाइम ड्राइवर हो, या आपने कभी स्नो में गाड़ी नहीं चलाई, तो मेक श्योर कि ऐसा बंदा आपके साथ हो जो स्नो कंडीशंस को समझता हो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें लगती हैं स्नो में, तो चेन्स भी लगती हैं टायरों पे, गाड़ियाँ स्किड कर जाती हैं स्नो पे। तो एकदम से सिटी का बंदा जाके स्नो पे गाड़ी नहीं चला सकता, वो तो यही सोचता रहता था कि मैं हाईवे पे गाड़ी कैसे चलाऊं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और जिस दिन आप ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ आपके अंदर इनबिल्ड हो गई कि हाँ भाई यू आपका ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों पे काम, बॉडी दिमाग काम करेगा आपका ऑटोमेटिकली, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट करते ही, आगे चलते ही आप ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली पीछे मुड़ के देखोगे, कोई आ तो नहीं रहा, वो नेचुरली अपने आप आता है विद द टाइम, ठीक है। पार्किंग करनी है तो मुझे इंडिकेटर दे के पार्क करनी है, पीछे देख के पार्क करना है, कोई नहीं आ रहा तो मैं धीरे 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 लेंज करके अपनी साइड में पार्क कर लूँ गाड़ी और फिर पार्किंग लाइट ऑन कर लूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये धीरे धीरे आती हैं, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी एक स्किल ड्राइवर्स की क्वालिटीज़ हैं जो कईयों में इनबिल्ड होती हैं, कईयों को एक्चुअली में नेचुरली गॉड गिफ्टेड होती हैं, कई लोग सीखते हैं, जो सीखते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है।
कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है, वो भी एक पार्ट है जो मैंने बताया बींग सेंसिबल, ठीक है, उसका ही पार्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ों की आप अगर कोशिश करेंगे अपनाने की, अडेयर करने की ना, तो दैट विल एड ऑन टू योर सेंसिबिलिटी एंड दैट विल एड ऑन टू योर क्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स द रोड एंड बींग अ ड्राइवर एज वेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपको इतना पेशेंट होना ज़रूरी है हर सिचुएशन में, हर वक्त, आप गाड़ी चलाने से लेके गाड़ी चलाने तक, जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ तक आपको इतना सिचुएशनल होना पड़ेगा, पेशेंट होना पड़ेगा। यू शुड बी क्वाइट पेशेंट इनफ कि आप हर सिचुएशन में कूल रहें, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी आपके साथ थोड़े अब्रप्टिव ड्राइवर्स चल रहे हैं या रैश ड्राइवर्स चल रहे हैं तो आप अपना आपा खो दो, ठीक है, आप ना रहो, कुछ और ही बन जाओ, ठीक। ऐसे मत करो ड्राइविंग, हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आई एम कूल इनफ टू ड्राइव इन एवरी सिचुएशन, आई एम गुड इनफ टू ड्राइव इन एनी कंडीशन। आपको समझना पड़ेगा 10 तरह के ड्राइवर चल रहे हैं हाईवे पे, कोई स्किल्ड होगा नहीं होगा आपको क्या पता, कोई एक्सपर्ट है नहीं है आपको क्या पता, कोई 10 साल पुराना है या दो दिन पुराना है आपको क्या पता। नेवर डाउन ट्राई टू डाउनग्रेड योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ। 10 से 12 में पहुँचो, 10 से 7 पे मत पहुँचो, दूसरों को देख के स्पेशली, नहीं तो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। दूसरों को देख के चलोगे तो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ऐसे बनो कि दुनिया आपको देख के चले। एक होता है ना फ्रेज, स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, क्राउड में मत खड़े रहो, क्राउड से अलग होके खड़े हो गए ना तो दुनिया आपको पहचानेगी, वैसे बनो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैं ये मेरे ख्याल से शायद पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है और अभी भी बता रहा हूँ बिकॉज दे आर मैंडेट, इसलिए मेरे बार बार मेरे वीडियोज में पॉइंट्स में अपडेट करता हूँ, ठीक है। एंड दे आर अगेन सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ बींग अ स्किल्ड ड्राइवर, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप में नहीं है और बाकी चीज़ें शुरू की 4-5 चीज़ें आपके अंदर हैं तो ज़ीरो ज़ीरो, मतलब ये वाला तो अच्छा होता है ना, ये वाला ये ज़ीरो हो जाओगे आप। ये बनना है या ये बनना है, ठीक, तो वो आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक अच्छे क्वालिटी स्किल्ड ड्राइवर में होनी चाहिए कि वो कभी भी उल्टे सीधे आड़े तेरे कट नहीं मारता, वो प्रॉपर लेन ड्राइविंग करता है। कभी भी देख लेना किसी भी सिचुएशन में, कभी किसी भी सिचुएशन में देख लेना, चाहे वो सड़क पर चल रहा हो, चाहे वो गांव में चल रहा हो, चाहे वो गांव की गलियों में चल रहा हो, चाहे जंगल में चल रहा हो, वो कभी भी मिसयूज़ नहीं उठाता कि मेरे आसपास कोई नहीं है या कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कुछ भी करूं, या कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा तो अपनी सीट बेल्ट ही उतार दी, कभी नहीं करेगा ऐसे। वो हमेशा सेंसिबल चलेगा, लेन ड्राइविंग करेगा, इंडिकेटर प्रॉपर टाइम पे देगा, ठीक है, उसको लेन चेंज करनी है तो इंडिकेटर देगा। वो डिफ़ॉल्ट करता है ये सब चीज़ें, ये नहीं कि वो दिखाने के लिए करता है, डिफ़ॉल्ट करता है बिकॉज वो स्किल्ड है। केयरलेस नहीं, केयरलेस वाला जो होगा ना वो कभी कभी इंडिकेटर देगा, कभी भूल ही जाएगा इंडिकेटर लेना, छोड़ना क्या करना है, लेन चेंज कर दी, तो दैट इज़ कैजुअल अप्रोच, ठीक है। स्किल्ड वाला जो होगा कभी ऐसे नहीं करेगा, स्किल्ड वाला हर चीज़ फॉलो करता है। चीज़ें फॉलो करनी मुश्किल होती हैं बट आप जब करने लगते हो ना आप, तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, फिर वो नेचुरली आपके अंदर आ जाता है। एंड देन दैट इज़ अ पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग एंड स्टार्ट डेवलपिंग गुड हैबिट्स एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ
गुड ड्राइवर. ओके नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर्स का पूरा यूज कीजिए. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. रोक रहे हैं पार्किंग में, गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो पार्किंग ऑन कीजिए. ठीक है, बिना पार्किंग ऑन करे गाड़ी मत कीजिए किसी भी रोड पे, पहाड़ों पे, हाईवे पे, सड़कों पे, सिटीज़ में बिना पार्किंग लाइट पार्क गाड़ी मत कीजिए दिनों या रात. उसके बाद कीप सेफ डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स. दो व्हीकल्स में सेफ डिस्टेंस एक स्किल्ड ड्राइवर हमेशा रखता है, चिपका के नहीं चलाता, हमेशा रखता है. दैट इज़ अगेन अ डिफेंसिव अप्रोच कि अगले ने ब्रेक मार दी तो मेरी ठुक जाएगी उसके पीछे जाके डिक्की में. प्रोएक्टिवनेस इज इट्स वन, दिस इज समथिंग क्लोज टू प्रोएक्टिवनेस एज वेल. क्या पहले से, बिकॉज कई चीज़ों में व्यूअर्स फियर भी बहुत काम करता है. अगर आपके अंदर हल्का डर है ना किसी चीज़ को लेके, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू अलॉट. डर कभी कभी ना बहुत हेल्प करता है, गलत चीज़ें भी सही हो जाती हैं अपने आप. समटाइम्स द रॉन्ग स्टेप आउट्स प्रूव्स टू बी द राइट स्टेपिंस, नॉट ऑलवेज. मार्क यू कैन, दिस इज अ फ्रेज, समटाइम्स द रॉन्ग स्टेप आउट्स प्रूव्स टू बी द राइट स्टेपिंस. कभी कभी आप अनजाने में भी ऐसा कुछ करते हैं जो सही पड़ जाता है. तो मेक श्योर कि एक आप अजम्पशंस रखें तो अच्छी चीज़ों के लिए रखें, या एक प्रोएक्टिवनेस डिफेंसिव चीज़ों के लिए रखें. अजम्पशंस उन चीज़ों के लिए मत रखिए जो आपके लिए अनसेफ हैं. गाड़ी चला रहे हो तो अजम्पशंस में रख रहे हो, वो मत कीजिए. दैट इज़ रॉन्ग. अजम्पशंस तो मेरे हिसाब से एक तरह से बहुत डेंजरस चीज़ है. अजम्पशंस तो किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, बिल्कुल हेल्प करेंगी आपको. मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या चीज़ों में हेल्प मिली है और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है आपकी ड्राइविंग में. ठीक है, लास्ट पॉइंट. ठीक है, जो भाई नए हैं या 10-15 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, या हो गए हैं 15-20 साल हो गए हैं, ठीक है, तो इट्स जस्ट अ वीडियो, एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर एनीवन. तो गाइस, कभी भी ना अपने आप को ड्राइविंग करते टाइम, जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हो तब से लेके जब तक आप जहाँ पहुँचना है आपको तब तक, कभी भी अपने दिमाग को या अपनी ड्राइविंग को ना डिविएट मत कीजिए. डिविएट समझते हैं, मैं दिल्ली से चला, ठीक है, पानीपत तक मेरी ड्राइविंग कुछ और थी, पानी के बाद मैं आगे चंडीगढ़ तक पहुंचा तो मेरी ड्राइविंग कुछ और हो गई, चंडीगढ़ से आगे पहुंचा तो मेरी ड्राइविंग कुछ और हो गई. पूरा हाईवे ही है, पहाड़ नहीं शुरू हुए अभी, तो वो मोड कैसे चेंज हो गया मेरा? होता कुछ नहीं है. कई लोग स्ट्रेस में चलाने लग जाते हैं, कईयों की नींद पूरी नहीं होती. ठीक है, घर से चले फ्रेश थे, 2-4 घंटे बाद फ्रेशनेस ख़त्म हो गई, स्ट्रेस आ गया, ड्राइविंग करने का तरीका बदल गया. ठीक है, तो कभी भी अपने आप को ना मेंटली फिजिकली कोशिश कीजिए. ठीक है, अगर लंबी ड्राइविंग का टायर्डनेस भी होगी, समझता हूँ मैं इस चीज़ को, मेरे में भी कभी कभी चेंजेस आते हैं, बट मैं आपको सिर्फ ये टिप देना चाहूँगा कि वो चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उनको आने मत दो, गाड़ी रोक दो. किसी भी चीज़ से, कोई हॉर्न बजा रहा है तो आप डिविएट हो गए, कोई रैश गाड़ी चला रहा है तो आप डिविएट हो गई, कोई साइड से निकला जिगजैग करता हुआ लैम्बोर्गिनी लेके तो आप डिविएट हो गए. रोड पे 100 तरह के ड्राइवर हैं हाईवे के ऊपर, अब आपकी गाड़ी लैम्बोर्गिनी नहीं बन जाएगी. ठीक है, तो जिसे जो करना है वो करे,
मैंने मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि जिसे जो करना है करें, वो करने दो उनको, आप जो कर रहे हैं वो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स। आप अच्छे ड्राइवर हो, वो तेज़ चला के जा रहा है तो उस वो तेज़ चला के जा रहा है तो उससे वो ये प्रूव नहीं होता है कि आप स्किल्ड नहीं हो, ठीक है। लेट देम डू वॉट दे वॉन्ट टू डू, यू जस्ट स्टिक टू योर सेल्फ एंड फॉर योर ड्राइविंग। जैसे मैंने भी कहा कि डू नॉट डाउनग्रेड योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ, राइट। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज़ हो, कोई कंसर्न्स हो, कुछ आपको मेरे से पूछना हो या कुछ और दिमाग में आपके बात आती हो जो आपको लगता है कि नहीं इन चीज़ों में भी मुझे कुछ जानने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। और फॉर एज ऑफ नाउ नथिंग मोर इन दिस वीडियो, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कुछ और दिमाग में आएगा तो डेफिनेटली शेयर भी करूँगा मैं। एंड वेरी सून आई एम गोना स्टार्ट विद माई ट्रैवल वीडियोस, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, और जो मेरे भाई मेरे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी मिले हैं, आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस भी मिली मेरे को मिली हैं, और कई भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे हैं, तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट से ही चैनल ग्रो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो हो तो प्लीज़ सपोर्ट योर चैनल, ओके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।